ओके okay स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जितने टाइप्स और सारा हमने सर्ट्स के बारे में पढ़ा ठीक है तो अब उस तमाम कॉन्सेप्ट को अप्लाई किस तरह करेंगे हम क्वेश्चन में और एग्जाम्पल्स में तो एग्जाम्पल है हमारे पास इफ़ एक्स इज इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री ठीक है x की हमारे पास एक वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस वन ओवर एक्स एंड एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर यानी जस्ट एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है उससे और ये वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन निकालेंगे तो गिवन क्या है एक्स इज इक्वल टू टू प्लस अंडर रूट थ्री ठीक है ये हमारे पास गिवन है तो अगर एक्स की वैल्यू ये है तो वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या होगी वन ओवर एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले हम यहाँ पर वन लगाएंगे और एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू तो वन सॉरी टू प्लस अंडर थ्री ठीक है ये हमने लिख लिया अब हम क्या करेंगे अब जब हमारे पास डी में हमारे पास इस तरह रूट आ जाता है यानी अब हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर टू है और इसके साथ प्लस अंडर रूट थ्री है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई लिख लेंगे और इसी डी नोमिनेटर को हम यहाँ पर नोमिनेटर और डी नोमिनेटर में लिख लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा यानी यहाँ पर आ जाएगा टू माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस अंडर रूट थ्री ठीक है उसी डी नोमिनेटर को हमने एक बार यानी उसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया विद दिस वैल्यू अब इससे क्या आएगा वन ओवर एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वही आती है तो माइनस टू माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइड बाय क्योंकि ये वन से मल्टीप्लाई हो गई अब इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे यानी टू प्लस अंडर रूट थ्री और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू माइनस अंडर थ्री ठीक है अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा टू माइनस अंडर थ्री अपनी जगह पर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू टू टू इंटू टू से क्या आता है फोर आता है और प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट थ्री इन टू अंडर रूट थ्री तो मैंने आपसे कहा था जब हम दो रेडिकल वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके ऊपर स्क्वायर लग जाता है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है उनको मल्टीप्लाई करना है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा स्क्वायर से उसकी जो रूट वाला साइन है वो खत्म हो जाएगा यानी यहाँ पर आ जाएगा थ्री अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर से थ्री माइनस करेंगे तो वन आएगा इट मीन्स कि वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन ओवर एक्स इज़ इक्वल टू टू माइनस अंडर रूट थ्री ये वैल्यू उसकी आ गई क्योंकि डिवाइड में यानी डिनोमीटर में हम वन को शो नहीं करते तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू थी ये और वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई अब हमने फाइंड क्या करना था हमने फाइंड करना था एक्स प्लस वन ओवर एक्स को फाइंड करना था तो एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी क्या थी हमारे पास एक्स की वैल्यू टू प्लस अंडर रूट थ्री ये हमारे पास गिवन थी और प्लस वन ओवर एक्स तो हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ठीक है और प्लस लगा लेते हैं और वन ओवर एक्स की वैल्यू जो हमने अभी अभी फाइन की थी वो है वन सॉरी टू माइनस अंडर रूट थ्री तो ये x प्लस वन ओवर x हमने यहाँ पे लिख लिया अब हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे यानी इसको इसके साथ एड करेंगे तो क्या करेंगे हम इसके पहले ब्रैकेट्स कौन लेते हैं अंडर रूट थ्री प्लस ये टू और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट थ्री इससे क्या आ जाएगा अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री क्योंकि दोनों में प्लस और माइनस है तो ये, तो ये कैंसिल हो गए और टू प्लस टू फोर यानी एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फोर आ गई इसको हमने फाइन करना था नेक्स्ट हमने क्या फाइन करना था हमने फाइन करना था नेक्स्ट के एक्स स्क्वा प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू यानी ये क्या आएगा तो इसी वैल्यू के ऊपर अगर हम स्क्वास uh, लगा ले बोथ साइड तो हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्र्स ऑन बोथ साइड्स तो यहां पर x प्लस वन और x के ऊपर भी हम होल स्क्वायर लगा लेंगे और फोर के ऊपर भी हम होल स्क्वायर लगा लेंगे तो यहां देखे इससे क्या बन जाएगा यहां पर हमारे पास आ जाएगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ठीक है फर्स्ट फार्मूला है तो हम उसको फर्स्ट फार्मूले को हम क्या किस तरह खोलते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र ठीक है प्लस टू ए बी इज इक्वल टू अब ये क्या है फोर फोर जार सिक्सटीन तो ये मल्टीप्लाई में है तो x x के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा x स्क्वेर प्लस वन और x स्क् प्लस टू टू वन जार टू तो टू आ गया इज इक्वल टू सिक्सटीन अब यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र इस टू को हम यानी इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो टू उधर चला जाएगा तो सिक्सटीन माइनस टू बन जाएगा इससे हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स जो हमें रिक्वायर्ड था उसकी वैल्यू आ जाएगी सिक्सटीन से टू माइनस करेंगे तो फोर्टीन तो देखें एक हमने फाइन करना था एक्स प्लस वन ओवर एक्स को जिसकी वैल्यू फोर आ गई फिर हमने फाइंड करना था एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र को ठीक है यहाँ पर स्क्वायर लगा ले तो उसकी वैल्यू हमारे पास फोर्टीन आ गई तो इस तरह आपने फाइंड um, करना है जब आपके पास एक वैल्यू गिवन हो ठीक है सर्ट्स में और आपने बाकी दो वैल्यूज को फाइंड करना होता है